दुनिया के 50 सबसे बड़े यूट्यूबर्स को इकट्ठा किया है और जो भी इस क्यूब में आखिर तक टिक पाएगा वो अपने सब्सक्राइबर्स के लिए $1 मिलियन जीतेगा। इन सबके सब्सक्राइबर्स कुल मिलाकर 1 बिलियन है और यूट्यूब के इतिहास में पहली बार ये सब $1 मिलियन के लिए कम्पीट कर रहे हैं। रूल्स आसान है, ठीक है, कैमरा नीचे करो, लाइन बंद करो, ठीक है, अगर इस रेड लाइन पर पैर रखोगे तो $1 मिलियन हार जाओगे, इसीलिए सावधान रहना, जो आखिर तक टिकेगा वही जीतेगा। ब्रो मैंने स्क्विड गेम्स देखा है, वो एक रियलिटी शो जैसा है। मुझे लगता है कि लोग मुझे टारगेट करेंगे, यहाँ ज्यादा देर दोस्त नहीं रह पाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता, ये पैसे हमारे हैं, ये नोट असली है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। फाइनली मेरे वीडियो में आ गए। सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी होगी अपनी एनर्जी बचाना, बस उस जीत की रकम के बारे में सोच। क्या तुम यहाँ रहने के लिए किसी और को एलिमिनेट करोगे? मेरे सब्सक्राइबर के लिए बिल्कुल। नहीं 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 नहीं, छोड़ो मुझे। जय जय, जानते हो ना, जितने दुश्मन बनाओगे उतना ही लोग तुम्हें एलिमिनेट करना चाहेंगे। नहीं नहीं नहीं, हम बस मजाक कर रहे थे, हम मस्ती कर रहे थे। वो पैसों के पीछे छुप रहा है, मुझे लगता है उसने तुम्हारे मजाक को सीरियसली ले लिया। देखो ये सभी यूट्यूबर्स कितने खुश हैं और मजे कर रहे हैं। इस वीडियो के एंड तक इनकी हालत ऐसी नहीं रहेगी। आप सबने आज तक इन सारे क्रिएटर्स को आई हेट यू जिमी इतने ब्रूटल और एंटरटेनिंग वीडियो में कभी नहीं देखा होगा। और पहला चैलेंज शुरू होता है अभी। पर्दा हटाओ, तुम लोग इसके लिए तैयार नहीं हो। पहले चैलेंज के लिए तुम सब कुछ देर के लिए क्यूब से बाहर आकर एक फ्री थ्रो अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर स्कोर कर पाए तो हम तुम्हारे एक सब्सक्राइबर को एक फ्री साइबर ट्रक देंगे और तुम क्यूब में वापस आ पाओगे। लेकिन अगर मिस किया तो सब्सक्राइबर को कुछ नहीं मिलेगा और तुम एलिमिनेट भी हो जाओगे। ये लोग इतने सारे साइबर ट्रक यहाँ पर लाए कैसे? पता नहीं ये कैसे हो पाएगा। तुम कर सकते हो, अगर फ्री थ्रो है तो आसान है, बहुत इजी है। मेरे लिए ये फ्री थ्रो करना लगभग नामुमकिन है। हर कोई ये तय करने में लगा था कि क्या पहला चैलेंज वर्थ इट है, लेकिन फिर मार्क रोबर ने ये किया। जिमी प्लीज, मैं तैयार हूँ। अरे यार, बैकग्राउंड में इन सभी यूट्यूबर्स को तो देखो। प्रेशर बहुत ज्यादा है। यह तुम्हारा सब्सक्राइबर? तुम्हारा नाम क्या है? मैथ्यू। इसे निराश मत करना, तुम्हें जीत कर आना होगा। मुझे तुम पर विश्वास है। सब तुम पर है मार्क। क्या तुम अपने सबसे बड़े फैन के लिए साइबर ट्रक जीत पाओगे या तुम दोनों को खाली हाथ लौटना पड़ेगा? अरे नहीं, मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं, कोई बात। ये काफी निराशाजनक था, लेकिन जिडियन ने सोचा कि शायद वो थोड़ा बेहतर कर सकता है। ये क्या था? अच्छी कोशिश थी। मैंने एक सब्सक्राइबर खो दिया है। गाइस मैं ये कर सकता हूँ, मैं एक बास्केटबॉल यूट्यूबर हूँ। अगर तुम जाओगे तो मैं भी साथ आऊंगा। ठीक है चलो। हे मेरी बारी है। जेंटलमैन, ये रहे तुम्हारे सबसे बड़े फैन। हेलो, प्रेशर बहुत ज्यादा है। नहीं मैं ये नहीं देख सकता। जय सर, क्या तुम अपने सबसे बड़े फैन को निराश करने वाले हो? साइबरट्रक के लिए बधाई हो, और शॉट्स बाकी। थैंक यू। जय सर। हालांकि हर कोई इतना नसीब वाला नहीं था। मैं तुम्हारे लिए साइबर ट्रक नहीं जीत पाया, मैं हार गया। क्या रग्स का फैन साइबर ट्रक घर ले जाएगा या फिर ये भी खाली हाथ जाने वाला है? और तीन बड़े यूट्यूबर्स को ये चैलेंज हारते देखने के बाद ये साफ हो गया था कि कोई और इसे आजमाना नहीं चाहेगा, इसीलिए मैंने सभी यूट्यूबर्स को सेटल होने का वक्त दिया। को इसे कहते हैं नोटों की बारिश। लेकिन ज्यादा वक्त नहीं बीता जब सेटल होना बोर होने में बदल गया, और फिर बोर होना मूर्खता में। पता नहीं ये ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन टेक्निकली ये बाहर नहीं है, उसने रेड लाइन को नहीं छुआ। फुटेज चेक करते हैं, क्या उसने उसे छुआ? अब तक 4 यूट्यूबर्स क्यूब छोड़ चुके हैं, और अगला चैलेंज शुरू करने से पहले हम चाहते हैं कि कुछ और बाहर निकले। दूसरा चैलेंज तब शुरू होगा जब एक और बाहर निकलेगा। बचाओ, बचाओ, बस करो। हाँ बोलो, क्या कह रही हो? मैं एक बैंडिट पोकेमैन की तरह भाग रही हूँ, क्या मैं ये जैकेट ले सकती हूँ? क्यों नहीं। Okay. Okay.
गुड बाय। अब सिर्फ 45 बचे हैं, मुझे दूसरे चैलेंज की तैयारी करनी है, मैं बस अभी आया। और तैयारी से मेरा मतलब था फर्श पर बिखरे हुए 1 मिलियन असली डॉलर्स को उठाना। मिस्टर बीस्ट को फर्श से पैसे साफ करके देखना भी एक नजारा है। मिस्टर बीस्ट सच में फर्श से पैसे साफ कर रहा है, पता नहीं मैं आपको इसके बारे में। और अब जब फ्लोर साफ हो गया है, क्या आप लोग दूसरे चैलेंज के लिए तैयार हैं? ठीक है, मैं चाहता हूँ कि तुम सब खड़े हो जाओ। आप देख सकते हैं कि फर्श पर डॉट्स हैं 5 के ग्रुप्स में। इसका मतलब मैं चाहता हूँ कि आप सब 5-5 के ग्रुप्स में बट जाओ और उसके साथ ही अपने ग्रुप के लिए एक कैप्टन भी चुनना। वो कौन होगा जिसे इस अगले चैलेंज में इम्यूनिटी मिलेगी? मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, अच्छा, टीम ध्यान से चुनना। मजा आने वाला है। हमें 5 के ग्रुप में, अगर हम एक दूसरे के खिलाफ होंगे तो मुझे दुख होगा। ठीक है, तो हम 5 लोगों की टीम है। हम इतना ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। क्या तुम 5 एक ग्रुप में हो? हाँ बिल्कुल। ठीक है, और कैप्टन कौन बनेगा? अभी तय नहीं हुआ। क्या तुम लोगों ने कैप्टन चुन लिया? पता नहीं क्यों चुना है। ये जैक है। मार्कस। मार्कस पर भरोसा कैसे ना करे, वो यूट्यूब पर सबसे भरोसेमंद टेक रिव्यूअर है। क्या तुम कैप्टन चुन सकते हो प्लीज? ये फैसला तुम्हारा है, मैं कुछ नहीं कहूंगा। अपना कैप्टन कैसे चुनोगे? हम इसके बारे में सोच रहे हैं। किसकी? स्केच, क्या तुम्हें इस पर भरोसा है? मुझे इस पर पूरा भरोसा है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि मेरे मिनियंस हर एक टीम कैप्टन के लिए एक टेबल ला रहे हैं और इन टेबल्स पर जो है शायद आपने उसे पहले भी देखा हो। नो, मैं चाहता हूँ ये क्या है। चलो इस तरफ आ जाओ। कैप्टन्स, मैं चाहता हूँ कि तुम कपड़ा हटाओ और अगला चैलेंज रिवील करो। यहाँ है 4 कुकीज। ओह माय गॉड, मुझे डर लग रहा है। और हर कैप्टन को ये तय करना है कि उनकी टीम में का कौन सा यूट्यूबर कौन सी कुकी काटेगा। ओह माय गॉड, अगर कुकी टूटी तो वो एलिमिनेट होंगे। और जिन लोगों को ये नहीं पता इन्हें कौन सी कुकी मिलती है, उसके आधार पर या तो ये बहुत आसान होगा या लगभग नामुमकिन। नीको, कुकीज को बांटने का वक्त आ गया। ये मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन। तुम स्केच को कौन सा दोगे? तुम ऐसा नहीं कर सकते। कल्पन है। ये तो गलत बात है। दिस इज क्रेजी। ये नाइंसाफी है। कार वाला कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते। ओह माय गॉड। क्या बात है? नीको, इसका खून तुम्हारे हाथों पर होगा। ओह माय गॉड, क्या तुमने उसे देखा? नीको, ओह माय गॉड। लेकिन कैप्टन्स को अभी भी 8 और अम्ब्रेलास बांटने थे। अम्ब्रेला मिलेगा माइकल को। तुम्हारे पास अम्ब्रेला कैसे आया? मैंने कहा मैं ये कर लूंगा। ओके, अम्ब्रेला मुझे दीजिए, बहुत ने ये टीम के लिए किया। तुम इसे अम्ब्रेला दे रहे हो? करने में काफी आसानी होगी। तुम पर भरोसा है, गुड लक। थैंक यू। ओह नहीं, तुम्हारे पास अम्ब्रेला कैसे आया? बैड लक। तुम कर लोगे, तुम कर लोगे, तुम कर लोगे। लेक्सी को मिला अम्ब्रेला। मुझे अम्ब्रेला मिला, मैं ये कर सकता। दुनिया कितनी बुरी है सच में। आई एम सो सॉरी ब्रो। पोकेमैन, मुझे तुम पर विश्वास है, तुम कर लोगी। दिखा दो सबको तुम ये कर सकती हो। सबको बता दो कि तुम किस मिट्टी की बनी हो। टाइमर शुरू करो। ठीक है, 10 मिनट का काउंटडाउन शुरू हो गया है। अगर तुम शेप को नहीं निकाल पाए तो एलिमिनेट हो जाओगे। मुझे लगा टीम कैप्टन होने का मतलब मैं कोई चैलेंज करके टीम को जीतने में मदद कर सकूंगा, लेकिन मैं बैठा हूँ और मेरी टीम भुगत रही है। मुझे ट्रायंगल मिला, इसका टेस्ट तो अच्छा है। इजी पीजी, 10 मिनट इसके लिए बहुत है। मैंने भी यही सोचा था, लेकिन कुछ ही समय के बाद ये हुआ। यस यस यस, कम ऑन स्केची, कम ऑन। लेकिन ये सबके लिए इतना आसान नहीं था। जैसे लोगन पॉल को मिला एक स्टार और पोकेमैन को इनमें से सबसे मुश्किल शेप। ये तो बीच से टूट गया। आई एम सो सॉरी, मुझे कहने दे। पोकेमैन, आई एम सो सॉरी। क्योंकि अम्ब्रेला ने पोकेमैन को एलिमिनेट कर दिया था, बाकी प्लेयर्स ने इससे सीखा और वो थोड़े और सावधान हो गए। स्केच, संभल कर निकालना, ओके? अपना समय लो। लेकिन आसान शेप्स वाले लोग ज्यादा प्रोग्रेस दिखा रहे थे। रिकू ने स्टार निकाल लिया, लेट्स गो। यस, लेट्स गो। बहुत बढ़िया, मेरी टीम बेस्ट है। कम ऑन गाइस, चलो करते हैं, चलो। लोगन, तुम्हारी कुकी सबसे ज्यादा डिस्गस्टिंग लग रही है। तुम ही मुझसे ये करवा रहे हो, मुझे अपने लोगैंग के लिए 1 मिलियन जीतने हैं। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, तुम कर सकते हो। शाबाश। यस यस कैच, यस यस यस। मेरा पहला शहीद सिपाही। हो गया। ओ, ये कितना मुश्किल है। I hate you, Jimmy. ठीक है, है, रुको, है, सुनो 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 तो। बाद में। संभल के, अक्सर लोग यही हारते हैं, ये पार्ट सबसे मुश्किल है। बात है, ऐसे ही, ऐसे ही। अरे नहीं। अरे नहीं। ये तुम्हारी गलती है। तुम बहुत बड़े धोखेबाज हो। क्या हो गया? इसने मुझे धोखा दिया। क्या तुम्हें इस पर भरोसा है? हाँ है, मुझे इस पर पूरा भरोसा है। I'm really sorry. तुमने सबसे कमजोर आंख वाले इंसान को सबसे मुश्किल शेप दिया। मुझे माफ करना दोस्त। और इसी के साथ दूसरे चैलेंज में एलिमिनेट हुए हैं कोलबी और रग,
माइकल रीव, फेडे, इट्स ओके ब्रो, ऑजी, थैंक यू, लेक्सी और मैट पैट। बहुत अच्छे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। असली कमाई तो वो दोस्त थे जो हमने रास्ते में बनाए, और ये कोई थोड़ी नहीं है। रिटायरमेंट शुरू। मैट रिटायरमेंट ले रहा है। हमने जेसलैट, पोकीमेन और मात्सु को भी खो दिया, और अंत में ऑफ कोर्स स्केच। आने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच। क्या तुम इससे हाथ मिलाओगे? थैंक यू, लव यू ऑल। 11 लोग एलिमिनेट हो गए, बस तुम 34 बचे हो। कॉन्ग्रेट्स। तुम एक बुरे आदमी हो जिमी। यहाँ कुछ अच्छे लोग थे जिन्हें छीन लिया गया। मुझे खुशी है कि वो चले गए, सच कह रहा, क्योंकि इसका मतलब मेरे जीतने के चांसेस बढ़ गए हैं। अब झूठ छोटा हो गया है और मैं जीतने वाला हूँ। अगले चैलेंज की तैयारी करते वक्त मैंने बचे 34 यूट्यूबर्स को अपना मनोरंजन खुद करने दिया। हम एक गेम खेल सकते हैं, उस लाइन के कितने करीब पहुंच सकते हो। बॉटल कैप्स यूज कर सकते हैं। सही समझे, वो चीज जो आपके फेवरेट क्रिएटर्स को एंटरटेन कर रही है वो है बॉटल कैप्स। एक सेकंड, ये देखो। अब इसे देखना बच्चों। ठीक है, बस बहुत हुआ ये सब। तीसरे चैलेंज के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम सब दो दो के ग्रुप्स बनाओ और अपने हाथों को डक्ट टेप से बांध लो। सोच समझ कर अपने पार्टनर को चुनना। मैं इसकी वेडिंग में बेस्ट मैन था तो हम साथ में रहेंगे। ठीक है, लेट्स गो एंड्रिया। हमें लॉक कर रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल, हमें लॉक कर रहे हैं। हाँ। पता नहीं क्यों हर किसी ने अपने सबसे करीबी दोस्त को पार्टनर बनाया। उन्हें लग रहा है कि वो टीममेट्स बनेंगे, लेकिन देखा जाए तो मिस्टर बीस्ट के वीडियो में ये स्ट्रेटेजी सबसे बेस्ट नहीं है। हमें हाथ थाम कर चलना है या बस पकड़ने की जरूरत है? ओके सॉरी। मैं इसके साथ क्यों? ये पागल है। अब जब सबने पार्टनर चुन लिया है, फ्लोर अपडेट करो। उसे यहाँ लाओ आराम से। तुम जिसके साथ भी बंधे हो हम तुम्हें अलग करेंगे और तुम्हें एक दूसरे से मुकाबला करना है जायंट जेंगा में। ये कितना बिल्कुल गलत है। तुम पूरे समय लगातार हंसते रहे तो मुझे लगता है कि पहले तुम्हें ही जाना चाहिए। टेप निकल चुकी है, चलो देखते हैं घर कौन जाएगा। ओ, सोचो ये पहले ही टर्न में गिर गया तो। ओके, जब तक ऊपर नहीं रखते बारी खत्म नहीं होगी। अब जाहिर है कि हमारा प्लान था दुनिया का सबसे बड़ा जेंगा गेम रखना, लेकिन टावर इतना ऊंचा हो रहा था कि वहाँ सीढ़ियों से भी नहीं पहुँचा जा रहा था। आज तक कभी इतनी हिलने डुलने वाली सीढ़ी नहीं देखी। और क्योंकि टावर की हाइट और नहीं बढ़ सकती थी, धीरे धीरे उनके पास मूव्स खत्म होने लगे। शायद ये मेरा आखिरी मूव हो सकता है। अब निकालने के लिए और कोई ब्लॉक्स नहीं बचे हैं। तो जे जे, तुम्हारी किस्मत यहीं तक थी, अब तुम क्या करोगे? गेम में मजा आया ब्रो। नहीं 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 जे जे नहीं। वो, वो, नहीं, ये तो गलत है। जे जे साहब, 1.5 घंटा जेंगा खेलने के बाद ये मिला? क्या कहें, पता नहीं क्या हो रहा है। वो डूबा और फिर मुझे भी ले डूबा, यकीन ही नहीं होता। तुम सब वोट कर सकते हो, क्या लगता है जेजे का इसे बाहर ले जाना फेयर था या नहीं? जिसे लगता है ये फेयर था वो राइट जाए, जिसे लगता है ये फेयर नहीं था वो लेफ्ट जाए। काश उस तरफ और ज्यादा बुरे लोग होते। ये गलत है, बिल्कुल गलत। नो है फेयर मैन, नो फेयर। जनता ने फैसला कर लिया, KSI बाहर और AJ अंदर। अब सिर्फ 33 यूट्यूबर्स बचे। तुम्हें वो फेयर लगा? हाँ, यही तो गेम है। मैं तुम्हें ऐसे उठाकर। ये क्या कर रहे हो? मैं बस यही कह रहा हूँ कि यही तो गेम है। टीम प्राइम, हम जीतेंगे। लोगन, फाड़ देना भाई। क्योंकि पिछले गेम में घंटों लग गए और मैं यूट्यूबर्स को हमेशा के लिए बंदी नहीं बना सकता, हम लेकर आ गए नॉर्मल जेंगा। मुझे माफ करना। अपना पहला ब्लॉक निकालो, चलो शुरू करें। ओके। गेम्स तुरंत ही शुरू हो गए और हम तेजी से आगे बढ़ रहे थे। देखते ही देखते चीजें कम्पिटिटिव होने लगी। ये तो तुमने कमाल ही कर दिया। क्या तुम मजाक कर रहे हो? लेकिन अचानक कुछ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हुआ। ओ, ये क्या? निको के पास एक कमाल का वीडियो आइडिया है, अगर वो जीता तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो आगे बढ़े। ये चैलेंज जिस तरह से काम करता है उसकी वजह से कुछ क्रिएटर्स ने गलती से खुद को अपने सबसे करीबी दोस्त के साथ जोड़ लिया था, और इसीलिए ये मेरी वेडिंग में बेस्ट मैन था, जहाँ पहुँचने में इसे 27 घंटे लगे, और वो दोस्तों के लिए जीत की रकम सैक्रिफाइस करने के लिए भी तैयार थे। मैं रोने वाला हूँ। ओह माय गॉड, सच्चे दोस्तों के लिए हम यूके वाले इतना तो कर ही सकते हैं। सबको सेल्फलेस होना चाहिए। मैंने तो कह दिया, एक बात बताऊँ, तुम ही खेलो। इसी बीच जेंगा टावर्स बहुत बड़े हो गए थे, वो ऊपर से नहीं निकाल सकती। वो
अगर उनके आसपास जोर से सांस भी लो तो वो गिर जाएंगे। और हारने वालों के सब्सक्राइबर्स $1 million खो रहे थे। नहीं, आसपास भी नहीं था। ये नहीं हो सकता। मजा आ गया। मैं हार गया। जिंगा में हार गया। हाँ, रुको रुको। पावर डिलीवरी जॉब्स और एक के बाद एक लगातार बढ़िया खेला। एलिमिनेशंस के बाद हम इस चैलेंज के अंतिम छोर पर पहुंच चुके थे। सीधे होट पर लगा। मैं ये $1 million जीतूंगा। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही मूव बचा। कम ऑन, कम ऑन, कर सकते हो। कोई बात नहीं, कोई बात Logan, नहीं। वो इतनी दूर इंडिया से यहाँ आया और तुमने उसे एलिमिनेट कर दिया। काफी मजा आया भाई। हम टी सीरीज के आगे निकल गए, क्या कहोगे? देखो, कोई भी टॉप पे हो, यूट्यूब कम्युनिटी की बात है तो भैया रिस्पेक्ट तो बनती है। तो भाई रिस्पेक्ट दो। क्या बात भाई, है तुझे 2014 से देख अच्छा, रहा वैसे? मैं तो बहुत खुश हूँ। हाँ, काश तुम जीत जाते। जो आखिरी टावर बचा था वो हमारा अब तक का सबसे कम्पेटिटिव गेम साबित हुआ। खींचो उस पीस को। इन दोनों का गेम बाकी यूट्यूबर्स के मुकाबले पूरे 2 घंटे ज्यादा चला। ये तो पागलपन है। ओह नो, तुम कर सकते हो। कम ऑन। नहीं नहीं नहीं। चैलेंज 3 ऑफिशियली खत्म हुआ और अब चलो बिस्तर लेकर आओ। ओके, सबके पास बेड्स हैं। हम 4th चैलेंज के लिए कल सुबह मिलेंगे। और इसी के साथ इस चैलेंज के पहले 24 घंटे पूरे हुए। और सच कहूं तो ये काफी क्रेजी है। ये सभी यूट्यूबर्स वाकई में $1 million कैश के पास सो रहे हैं और हो सकता है कि इस वीडियो के अंत तक ये पैसे आपको मिले। हेयो, गुड मॉर्निंग लोगैंग, क्या चल रहा है? ओह माय गॉड, पुरानी यादें ताजा हो गई। मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। ओहायो। ओहायो मतलब गुड मॉर्निंग। ओहायो, मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए पूरी मेहनत करूंगा। गुड मॉर्निंग, मेरे पास तुम सबके लिए एक सरप्राइज है। हमारा परिवार यहाँ है। तुम्हारे परिवारों से भी बेहतर है। ओह नो। और आप में से जो भी नहीं जानता कि मेरा दोस्त स्पीड कौन है, तो मैं आपको बता दूं कि ये दुनिया के सबसे बड़े क्रिएटर्स में से एक है और इसे 24 घंटे पहले ही यहाँ पहुँच जाना चाहिए था, लेकिन स्पीड का प्लेन अभी अभी यहाँ लैंड हुआ। ये यहाँ बहुत लेट आया है और मैं तुम लोगों को ऑप्शन देना चाहता हूँ। क्या तुम चाहोगे कि स्पीड अंदर आए और तुम सबके साथ इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले, या फिर तुम चाहते हो कि अपने प्लेन में बैठकर वापस लौट जाए? फैसला तुम लोगों का है। इस कम्युनिटी में हम सब मिलकर रहते हैं और नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या हुआ? मुझे गुस्सा आएगा। उसे लाइफ साइज जेंगा के बारे में कुछ नहीं पता। ओ कम ऑन ब्रो, उसका हेयर स्टाइल तो देखो, वो अभी से भौंक रहा है दोस्त। फैसले की कड़ी आ गई। अगर इसे खेलने देना है तो लेफ्ट में जाओ, अगर नहीं देना है तो राइट में। मिलकर करेंगे। जाओ वापस उस प्लेन पर। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। ठीक है, फैसला हो गया। स्पीड वो नहीं चाहते कि तुम खेलो। ठीक है, तुम सब इसका चेहरा आखिरी बार नहीं देख रहे। कभी ना कभी तो बाहर आओगे, मुझे तुम्हारे चेहरे याद है। इसके बारे में सोचना चाहिए था। अब तो हम और अब हमारे 4th चैलेंज को लेकर आओ। कहीं ये स्पीड ही तो नहीं है? ओह नो, इन्हें अंदर लेकर आओ। ओह नो, डील और नो डील। लगभग तुरंत ही सबको समझ में आने लगा कि अगला चैलेंज क्या था। क्या लगता है इन ब्रीफकेस में क्या है? एलिमिनेशन और सेफ वाले बॉक्सेस। हैवी मेंटल को लेकर आओ प्लीज। और ये जानते हुए कि पिछली बार जब हमने ये खेला, फैंस ने इसे बहुत पसंद किया, मैं जानता था कि हमें ना सिर्फ इस गेम को बल्कि इसके चेहरे को भी वापस लाना होगा। हावी, एक और बार। हावी, हावी, जिमी। बड़े दिनों बाद मिले हो। मानो मैं लाइव स्क्रॉल कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ जिसके पास सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं वो यहाँ आ जाए। ओ। किसके सबसे ज्यादा है? मेरी तरफ देखना भी मत। लोगन, सबसे ज्यादा तुम्हारे ही हैं। इससे पहले कि मैं रूल समझाऊं, तुम्हें एक कंपेटिटर चुनना होगा। मैं तुम्हें चुनता हूँ सैम। ठीक है, अब मैं चाहूंगा कि तुम एक ब्रीफकेस चुनो, कोई भी नंबर। मैं लूंगा लकी नंबर 11। इसमें से 7 ब्रीफकेसेस में लिखा है एलिमिनेटेड, बाकी के 10 सेफ हैं। लोगन अपने ब्रीफकेस के अंदर झांकेगा और फिर सैम को ये तय करना है कि क्या वो इसे स्टील करना चाहेगा या लोगन को इसे रखने देगा। और इस गेम का नाम है स्टील और नो स्टील। ये हुई ना बात, हुई कमाल। इसे कहते हैं होस्ट। ये केस सेफ नहीं है। अरे बाप रे, क्या तुम्हें इसकी बात पर भरोसा है? बिल्कुल नहीं। ये सब क्या चल रहा है? मैं तो स्टील कर दी। स्टील और नो स्टील, मैं स्टील करूंगा। तुम स्टील करोगे? Yes. क्या सैम ने सही फैसला लिया? I'm sorry, Sam. सैम और कॉल्बी चैनल ऑफिशियली एलिमिनेट हो चुका है।
अब क्योंकि लोगन का केस उससे ले लिया गया है तो वो तब तक खेलता रहेगा जब तक कोई उसे अपना केस रखने नहीं देता। अब तुम किसके खिलाफ जाओगे? गाय। गाय। तुम्हें कौन सा नंबर चाहिए लोगन? लकी नंबर 7। ठीक है, लेकर आओ। मैं नहीं चाहता कि कोई और इसमें झाके। गाय, यहाँ देखो, ये सेफ नहीं है। ओ, सेफ नहीं है? तुम्हें लगता है ये सच बोल रहा है? मैं इसे स्टील करूंगा, अभी बताता हूँ क्यों। ओ, इसने कुछ पूछा तक नहीं। बचपन से लोगन को देखते आ रहा हूँ, जब से उसने YouTube शुरू किया था। ऐसे वक्त में वो क्या करता है मुझे पता है। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। तुम इतने कॉन्फिडेंट हो। ये ब्रीफकेस कैसे खोलूं इसे? तुम ये तो सेफ है। इसने लोगन का दिमाग पढ़ लिया। ओह माय गॉड, मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा है। लैडविक, मुझे क्यों यार? लोगन, तुमने कहा कि तुम्हारा दिल तेजी से धड़क रहा है, क्या तुम ये सैमसंग गैलेक्सी रिंग पहन सकते हो? हाँ जरूर, मैं इससे हार्ट रेट चेक करूंगा। और लड़ी, क्या तुम ये रिंग पहन सकते हो? हाँ कोई बात मैं नहीं, मैं तुम दोनों को ट्रैक करूंगा। हाँ सही समझे, जिस बीच ये एक दूसरे को धोखा देने की कोशिश कर रहे होंगे, हम सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 6 के जरिए इनकी हार्ट रेट ट्रैक करेंगे। लोगन की हार्ट रेट है 106, लडविक की 87। मैंने जो देखा उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम ये केस रखो। लडविक का स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है। क्या मुझे स्ट्रेस हो रहा है क्योंकि उसने कहा कि मैं ये केस अपने पास रखूं? मुझे लगता है उसे वो केस रखने देना ही सबसे अच्छा होगा। गेस करना मुश्किल है। मैंने नहीं देखा, मैं इसे रख लूं। इस वक्त तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है? काल बताओ मेरा हार्ट रेट क्या है। सच कह रहा हूँ, बहुत जोर से धड़क रहा है। अभी हार्ट रेट 103 ठीक है। ये एक शब्द एक फॉलोअर की जिंदगी बदल देगा। $1 million इसे कहते हैं प्रेशर बिल्ड करना। स्टील और नो स्टील? नो स्टील। लोगन पॉल इज सेफ है। मैं तैयार हूँ। मेरे लिए सिर्फ एक जानता हूँ, केस 14। हमें इसे देखने की जरूरत नहीं है, मैं इसे स्टील करूंगा। मैं 27 घंटे ट्रैवल करके यहाँ आया। देखते हैं तुम्हारी मेहनत रंग लाई या नहीं। ओह माय गॉड, ये लो अपना लकी केस। 27 घंटे। अच्छा है एलिमिनेशन वाले केसेस निकल रहे हैं। मेरा तो दिल ही टूट गया। बस घर लौटते समय कैंगरू से मत टकराना। मुझे तुम पसंद नहीं नोलन। और इन केसेस की क्रूरता सिर्फ यही नहीं रुकी। नो स्टील, क्योंकि सबसे क्रूर पल तो अब आएगा। मुझे धोखा दिया गया। सच में यकीन नहीं होता। मुझे झूठ नहीं बोलना। केस खोलते वक्त उसकी आंखों में नहीं देखोगे? ओह गॉड, एलिमिनेटेड लिखा है। मैं तुम्हें सच लगता है वो सच कह रही है? मुझे लगता है वो एक्टिंग कर रही है। ओ स्टील और नो स्टील? स्टील। वो मुस्कुरा रही है। इसने क्या किया होगा? यकीन नहीं होता, इसकी हार्ट रेट 152 तक गई थी। ये एक शैतान है। और भले ही उससे झूठ बोला गया था, वैल्करी खुद उस खेल को खेलने से डरी नहीं। अब सिर्फ 2 एलिमिनेशन और 3 सेफ केसेस बाकी हैं, तो अब उसके पास धोखा देने का एक और मौका है। ये देखकर मैं शॉक्ड हूं। यकीन नहीं होता, किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता। तुम परेशान लग रहे हो। पिछली बार ये रो रही थी और अब इसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं है। आखिर ये क्या है? ये मैं तुमसे पूछता हूँ, स्टील और नो स्टील? मैं ये केस स्टील करूंगा। मैं चाहता हूँ पहले तुम सब देखो। 3, 2, 1 Oh my God, वो चालाक। ये हैं वो 4 बचे हुए कंटेस्टेंट्स। अब सिर्फ 2 सेफ और 2 एलिमिनेशन केसेस बचे हैं। मैं जाता हूँ। जब तक वो ब्रीफ केस चुन रही है, मार्कस तुम्हारा सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 6 के बारे में क्या कहना है? इसके लिए सबसे सही इंसान को चुना है, दिखने में अच्छा। एनीवेज चलो गेम में वापस चले। अगर आप अपनी हार्ट रेट और अपने स्टेप्स को ट्रैक करना चाहते हैं तो चेक कीजिए सैमसंग गैलेक्सी रिंग और सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 6। क्या तुम्हें वो केस चाहिए? नहीं, उसे वो चाहिए। मुझे लगता है कि पिछले 2 केसेस को हटाने के लिए तुम बहुत जल्दबाजी कर रही थी, और मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसा लगातार 3 बार करोगी। नो स्टील। तुमने मेरा दिमाग पढ़ लिया। सिर्फ एक और एलिमिनेशन वाला केस बचा है। तुम मेरे टीम कैप्टन थे, मुझे तुम पर भरोसा है। मुझे आखिरी वाला एलिमिनेशन केस अगर उसे भरोसा है तो वो उसका फायदा उठा सकता है। मुझे नहीं लगता वो सच बोल रहा है। स्टील और नो स्टील? ओके नो स्टील। अगर इसमें एलिमिनेटेड लिखा होगा तो ये दोनों ही आगे बढ़ेंगे। MKBHD पर भरोसा कर सकते हैं। इसे झूठ बोलना नहीं आता। और ये वो 2 बचे हुए केसेस हैं, खोलो इन्हें। ये दोनों सेफ हैं, ऑब्वियसली। और उन 7 के निकलने के बाद अब सिर्फ ये 10 बचे हैं, और इनमें से सिर्फ एक ही अपने सब्सक्राइबर्स के लिए $1 million का प्राइज जीत पाएगा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं ये नहीं कर सकता, मैं तो हिल भी नहीं पा रहा। अब यहाँ से गेम और मुश्किल होने वाला है, क्योंकि हमें अपने साथियों को एलिमिनेट करना पड़ेगा, और ये दुख की बात है। और अब वक्त आ गया है 5वें चैलेंज का। फ्लोर बदल दो।
यहाँ दो डॉट्स के पांच जोड़े हैं। एक बार फिर से मैं तुमसे कहूँगा सब दो दो के ग्रुप्स में बच जाओ और इस बार तुम्हें साथ में काम करना है। तुम ये रिस्क लेने को तैयार हो? हाँ बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। काय, क्या तुम इस पर भरोसा कर सकते हो? हाँ बिल्कुल। हाँ और मुझे भी। तुम दोनों एक साथ क्यों हो? हमारा बॉन्ड अच्छा है। तुम दोनों की आपस में जम रही है? हाँ, क्योंकि मेरे सारे दोस्त बाहर हो चुके हैं और ये फ्रेंड जानता है। काल, सबकी आंखों पर पट्टी बांधो। मैं तुमसे दूसरी तरफ मिलूंगी। हाँ, बहुत अंधेरा है। अब जब सबकी आंखों पर पट्टी है वो सेट लेकर आ जाओ। हे ब्रो, हे ब्रो, इस कमरे को इस वक्त बदला जा रहा है। मेरे बाई तरफ कोई तो सख्त चीज है। क्या लगता है क्या हो रहा है? मुझे गैस की स्मेल आ रही है। यहाँ पर एक कपड़ा रखा है। हाँ जिमी, क्या ये है? चीजों को छूना बंद करो। मैंने पूछा तुमसे। ठीक है, सब लोग अपनी आंखों पर से पट्टी हटा दो। ओह माय गॉड। अब तक तुम सब समझ ही गए होंगे कि ये है एक टीम कुकिंग चैलेंज। ये हुई ना बात। मुझे डर लग रहा है। अब खेल में मजा आएगा। मुझे कुकिंग नहीं आती। ब्रो, तुमने निक को कैसे चुन लिया? इसने कहा था। यकीन नहीं होता। आई एम कुक्ड। कुकिंग आती है? नहीं, आई एम कुक्ड। अब समझा। मैंने तो अब तक सिर्फ अंडे, टोस्ट और सीरियल बनाया है। हम पहले भी कुकिंग टीम में थे और हम हारे थे। सच में हमने पहले कुकिंग की है। अच्छा, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है? नहीं, हम हारे थे। बहुत बुरी तरह। जो किया वो वापस मत करना। हम यहाँ तीन जजेस को बुलाएंगे, वो तुम सबके खाने को 1 से लेकर 10 के बीच वोट करेंगे। जिन तीन टीम्स को सबसे ज्यादा रेटिंग्स मिलेंगी वो आगे जाएंगी और सबसे कम रेटिंग्स वाली दो टीम्स बाहर जाएंगी। हमारे पहले जज को बुलाओ, जोई चेस्टनट। अरे वाओ, यकीन नहीं होता। तुम्हारे खाने को जज करने के लिए दुनिया के सबसे बेस्ट ईटर से बेहतर और कौन हो सकता है? खाने के सबसे ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तोड़ने के लिए इन्हें गिनीज से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है। और अब हमारी दूसरी जज मिरांडा कॉसग्रोव। ओह माय गॉड, वो देखो, पागल हो जाऊंगा। काय कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड है। मैं बहुत एक्साइटेड हूं। हमारा तीसरा और आखिरी जज, उसे बाहर लाओ, इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। आई शो स्पीड। ओह माय गॉड, हम तो गए। देखते जाओ, बस इतना ही कहूंगा। तुम्हारा टाइम अब शुरू हो चुका है। आप लोग जो चाहे वो बना सकते हैं। ये समय तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा तेजी से बीत जाएगा। और तो और, आपकी डिश जज किए जाएंगे टेस्ट, क्रिएटिविटी और प्रेजेंटेशन के आधार पर। रेस शुरू हो चुकी है, देखते हैं कौन क्या बनाता है। हम कोशिश करेंगे। इसके बड़े भाई स्पेंसर को ये स्पेगेटी टाकोस बहुत पसंद थे। स्पेगेटी टाकोस के साथ तुम दोनों क्या बना रहे हो? हम बना रहे हैं कॉर्ड एंड ब्लू और ये एक फ्रेंच डिश है। तुम दोनों क्या बना रहे हो? चॉकलेट केक, थोड़े मैक एंड चीज। मैं स्पेनिश टॉर्टिला बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और वो फ्राइडर्स बनाने की। हम दो देशों को एक साथ ले आ रहे हैं जिससे जंग होगी। जंग होगी मुँह में। ओह माय गॉड, ये तो अभी से अच्छा लग रहा है। सिर्फ प्याज और कुछ मसाले हैं। इस आदमी को सिखाया है खुद गॉर्डन रैमजी ने। तो बेसिकली सिर्फ 4 स्लॉट्स बचे हैं इनके अलावा। ये एम्बैरेसिंग होगा अगर दो लड़कियां कुकिंग के लिए एलिमिनेट हो गई तो। हम कुकिंग के अलावा भी बहुत कुछ करती हैं। तो हम डिजर्ट के लिए चॉकलेट कवर्ड स्ट्रॉबेरीज बना रहे हैं। मुझे बहुत इसके पेट से आवाज आ रही है। सब कुछ नीचे रखने के लिए तैयार हो जाओ। ओके ओके, प्लीज प्लीज प्लीज। ओह अच्छा लग रहा है ये तो। उन्हें चीज पसंद है। यो 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 ब्रो, सैंडविच को पकड़ो ना। $1,000,000 दाव पर लगे हैं। 3, 2, 1, हथियार डाल दो। सबका वक्त खत्म हो चुका है। ये सबसे पहले जाएंगे। आज रात हम सर्व कर रहे हैं वो है फ्रेंच कॉर्डन ब्लू। मुझे ये बहुत पसंद आया। हाँ, ये सच में बढ़िया है। अब जजेस फैसला बताएंगे। मैं स्टार्ट करता हूँ। ये बहुत अच्छा था। वाओ, 9। वाओ, काफी बड़े नंबर हैं। तुम्हारा टोटल स्कोर है 26। ऑलराइट। क्या तुम दोनों तैयार हो? हम थोड़े डर तो गए थे लेकिन। अपनी डिश लेकर आओ। ठीक है, हम एक अमेरिकन कंफर्ट फूड बनाना चाहते थे। मैं सबको हाइप नहीं करना चाहता, पहले मैं टेस्ट करूं। लेकिन मुझे लगता है ये अच्छा होगा। ये सच में अच्छा लग रहा है। जोई, तुम्हारा फैसला? ये बहुत डिलीशियस। जोई, मुझे पसंद आया। स्पीड, ये रिएक्शन देखकर मुझे लगता है तुम थोड़े कम पॉइंट्स देने वाले हो। मिरांडा, तुम बताओ। 9। यस, थैंक यू। क्या तुम रोने वाली हो? मत करो इसे इमोशनल, मत करो। स्पीड, खाने को वोट करो। तुम उस तरफ घूम जाओ। स्पीड, ए फोकस। चलेगा, कोई बात नहीं। इसका टोटल भी 26 है। तुम पागल हो ब्रो। मजा। 10, तुम ऐसे ही 10-10 नहीं बता सकते। तुम्हें खाना पसंद हो तो। लेकिन मैं निकाल लो गुस्सा। हाय, और एजे के रैटाटुई में आपका स्वागत है। वेलकम। सबसे पहले मिरांडा। हमारे पास है द फेमस, द वन एंड ओनली स्पेंसर के स्पेगेटी टाको। ये सच में बहुत क्रिएटिव है। ये आपके लिए। एजे, यहाँ बीच में कौन बैठा है? स्पीड, आई शो स्पीड।
दुनिया का सबसे बेस्ट फुटबॉल प्लेयर कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। रोनाल्डो, रोनाल्डो पास्ता। ये खास आपके लिए। उससे ज्यादा मत बताओ। अब सुनिए, उससे ज्यादा मत बताओ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो लेकर आओ वो रिकॉर्ड्स का टावर। रिकॉर्ड टावर। जब इसे खाओगे तब महसूस होगा। Oh my gosh! पता नहीं दोस्तों मैं खत्म कर पाऊंगा या नहीं। ठीक है ठीक है। क्या तुम्हें स्ट्रीम करके भूख लगी है? तुम स्ट्रीम करके थक गए हो क्या? ब्रो, नो वे ब्रो। रुको। ठीक है तो। मिरांडा। ओ हाँ। ये सच में बहुत अच्छा टैकोस है। मुझे शो पसंद आया, लेकिन असली बात तो खाने की। बात खाने की है। ठीक है, 3, 2, 1, स्कोर दिखाओ। कोई बात नहीं। ठीक है, अपनी डिश दिखाओ। हमने एक क्रीमी चिकन और टोमेटो पास्ता बनाया है। इस डिजर्ट के लिए इंस्पिरेशन डैड से मिली है, जो हमारे साथ नहीं है, मतलब इस कमरे में नहीं है, ऐसे तो जिंदा है। ओ, ये पागल है। ये बहुत ही एक्सक्विजिट है, जैसे मुझे हाँ कोई लेमन घूंसा तो मार रहा है। खुद को ही घूंसा मार रहा है। ये काफी हाँ अच्छा। मैं ये हटा देता हूँ। वाह, कहना पड़ेगा फीस्टिबल्स और स्ट्रॉबेरीज का टेस्ट अमेजिंग है। हाँ, जो भी वीडियो देख रहे हैं उसे वॉलमार्ट जाकर खरीदना चाहिए। इसके बाद मैं वहीं जाऊंगा। मुझे ये और खाने हैं। मुझे ये पसंद आए, मैं इन्हें ऑर्डर करना पसंद करूंगा। स्पीड, सॉरी मैं बीच में बोल रहा हूँ, लेकिन इनका टोटल स्कोर होता है 16, मतलब वो दोनों एलिमिनेट हो चुके हैं। जेंटलमैन, मिरांडा को वोट देने की भी जरूरत नहीं है। अरे तुम दोनों हार गए। बाय। आई एम सॉरी, लेकिन खेल खत्म। बताओ तुम्हारी रेटिंग क्या थी? 10। ऑलमोस्ट परफेक्ट स्कोर था। रुको। एक बार प्लीज, मुझे बहुत वक्त हो गया है। वो देखो उसे। रुको, तुम बाहर चले गए। तुम क्या कर रहे हो? मैं प्लेट फेंकने से खुद को रोक नहीं सका। ये पूरी तरह एक गलती थी। मैं लाइन के बारे में भूल ही गया। मैंने प्लेट देखी और मैंने सोचा इसे तोड़ना होगा। मैं वापस 2017 में चला गया जब तुम अपने व्लॉग्स में प्लेट्स तोड़ा करते थे। क्या तुम्हें अच्छा लगेगा अगर मैं तुम्हें प्राइम को प्रमोट करने दूं? बिल्कुल, प्राइम इतिहास में सबसे तेजी से बढ़ने वाली बेवरेज है जो अवेलेबल है वॉलमार्ट में। मैं हैरान हूं, लेकिन नहीं भी, उम्मीद है मुझे वापस बुलाएंगे। जब वो बाहर निकला तब मैंने सोचा ओ अजीब बात है। एक बात बताऊं, ये क्यूब उस क्यूब की तरह नहीं लगता इस किचन सेटअप की वजह से। हाँ। तो मैं समझ सकता हूं कि वो कैसे भूला। और यहां ये टेबल्स भी पड़े हैं, बिल्कुल ही अलग। हाँ, ये सेटअप कमाल का है। अब आज की आखिरी डिश, ये है ट्रेडिशनल स्पेनिश टोटिला। बुरा नहीं है। हाँ जजेस, स्कोर देने के लिए तैयार हो? यस। 3, 2, 1, स्कोर दिखाओ। ओके। I'm sorry. Okay, it's okay. इसका टोटल है 22, मतलब तुम दोनों एलिमिनेट हो गए। Okay, बहुत मजा आया। इसी के साथ सिर्फ 5 कंटेस्टेंट्स बचे हैं। कंग्रेचुलेशंस, तुम में से एक $1 million जीतेगा अपने सब्सक्राइबर्स के लिए। बहुत मजा आएगा। $1 million के साथ मैं एक चैलेंज रखूंगा, मुझे ढूंढो और ढेर सारा पैसा जीतो। मैं जितने ज्यादा लोगों को खाना दान कर सकूं उतना दान करता जाऊंगा। हम सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत ही कूल चेस इवेंट्स रखेंगे। मैं स्टूडेंट्स के 8 डिग्री की फीस भरने में मदद करना चाहूंगी। मैं साउथ मोरक्को में स्कूल्स अब खोलना चाहूंगा, इससे बहुत लोगों की जिंदगी बदल सकती है। ये हैं आखिरी 5। या बेबी, जब हमने शुरुआत की तब क्यूब कुछ ऐसा दिखता था, और अब सब इस पैसों के बॉक्स में फिट हो गए। अब आखिरी चैलेंज शुरू करने से पहले सब लोग जरा यहाँ पर देखो, पर्दे खोल दो। ये YouTube द्वारा बनाए गए असली प्ले बटन्स हैं। जो भी जीतेगा उसे इस टूर्नामेंट में पार्ट लेने वाले सभी क्रिएटर्स का प्ले बटन भी मिलेगा। क्या? जैसे कोई अपने दुश्मनों के सर इकट्ठा कर रहा हो। बिल्कुल। ठीक है, आखिरी चैलेंज को पेश किया जाए। हर राउंड के शुरुआत में सबकी आंखों पर पट्टी होगी और मैं इन ब्रीफ केसेस को आपस में शफल करूंगा। 4 में कुछ भी नहीं है और 1 के अंदर $1 million का चेक है। आंखों की पट्टी उतारो, आकर एक ब्रीफ केस उठाओ और अपनी अपनी जगह पर वापस लौटो। ठीक है, सब लोग अपने ब्रीफ केस के अंदर झांक के देखो।
और अब जब हर कोई जानता है कि उनके पास क्या है, सब वोट डालकर एक खिलाड़ी को खेल से बाहर करेंगे। अगर उस खिलाड़ी का केस खाली हुआ तो वो एलिमिनेट हो जाएगा। अगर आपने उस खिलाड़ी को वोट दिया जिसके पास पैसे हैं, तो खेल खत्म हो जाएगा और वो यूट्यूबर अपने सब्सक्राइबर्स के लिए 1 मिलियन डॉलर्स लेकर चला जाएगा। इस खेल में आपको चालाक बनना पड़ेगा और एक दूसरे का दिमाग बनना होगा। देखते हैं तुम्हें से किसका पोकर फेस सबसे अच्छा है। टाइमर शुरू करो, तुम्हें से कोई एक कुछ मिनटों में 1 मिलियन डॉलर्स जीतने वाला है। मुझे पक्का यकीन है कि पैसे इनमें से किसी के पास है। दोनों लड़कियां? हां वो क्यों? तुम्हारे एक्सप्रेशन से। ये थोड़ा सा एग्रेसिव है ना? वो चार्ज ले रहा है। क्या वो चार्ज इसीलिए ले रहा है क्योंकि उसके पास $0 हैं और उसे वोट आउट नहीं होना? हो सकता है। यहाँ बहुत तनाव है। मुझे लगता है कि इसी के पास वो पैसे हैं। सही कहा ना? वो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट है लेकिन वो सब छुपा रही है। पैसे उसके पास है या तुम्हारे? पैसे मेरे पास है। तो तुम कह रही हो कि तुम्हारे पास 1 मिलियन डॉलर्स है? वो 1 मिलियन मेरे पास है। ओके मुझे लगता है तुम्हारे पास नहीं है। और तुम ये कैसे कह सकते हो? क्योंकि मुझे पता है कि उसके पास $0 हैं और उसे गेम में टिकना है। तुम्हारे हिसाब से उसका ब्रीफकेस खाली है, वो झूठी है, तो तुम उसे वोट नहीं करोगे? वो ये कंफर्म करना चाहती है कि वो दूसरा राउंड खेल पाए लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। फैसला लेने के लिए अब सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। अगर मुझे नहीं पता कि सबके पास क्या है तो मुझे लगता है कि हमें टीम्स में खेलना चाहिए। हम टीममेट्स थे, तुम्हारा टीममेट बाहर हो तो हमारे लिए सबसे आसान फैसला ये होगा कि हम निक को निकाल दें। हमारे चांसेस बेटर हो जाएंगे अगर मैं बिना इन्फॉर्मेशन के खेल रही हूं। लेकिन तुम्हारे पास इन्फो है, किसको वोट करोगे? तुम्हें मुझे वोट करना, तुम्हें वोट करना चाहिए। मैं जीतना चाहती हूं। मुझे लगता है मैं एलेक्स को वोट करूंगा। मैं तैयार हूं। मुझे पता है उसके पास 1 मिलियन नहीं। काफी रिस्की है। सब लोग यहां पर अच्छे हैं लेकिन मैं रूल्स के हिसाब से खेलूंगा। ये पहले भी झूठ बोल चुकी है। वैसे मेरे पास है। अगर मैं झूठ बोल सकती हूं तो कोई और भी झूठ बोल सकता है। हां पर तुम झूठ बोल चुकी हो। पहले राउंड के लिए ये बहुत रिस्की है ना? 1 मिलियन डॉलर जीतने के लिए रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। अगर फैसला गलत हुआ तो वो जीत जाएगी। तुम लोगों को लिखना शुरू करना चाहिए कि किसे वोट करना चाहोगे। ठीक है, देखते हैं आपने किसे वोट किया। पहला वोट गया है जेडन एनिमेशंस को। मैंने तो कुछ किया ये भी तो नहीं। सोचा ही नहीं। मैं भी हैरान हूँ। दूसरा वोट मिला है लडबिक को और तीसरा वोट मिला है एमिक्सन को। चौथा वोट मिला है जेडन को। मैंने तो कुछ। और आखिरी वोट मिला है लडविक को। वो तो टाई हो गया। टाई हो गया है तो हम तुम सबको 1 मिनट और देंगे। तुम तीनों को इन दोनों की सफाई सुननी होगी और फिर दोबारा फैसला लेना होगा। बताओ इन्हें तुम्हें वोट करना चाहिए या नहीं। ये वोटिंग मेरे लिए थी क्या? तुम्हारे पास 1 मिलियन डॉलर है तो खुद को वोट कर सकती हो। शायद तुमने खुद को वोट किया है। नहीं, मतलब लडविक ने खुद को वोट दिया है। पैसे उसके पास है अगर ये सच है तो। मैंने किसे वोट किया होगा? मुझे लगता है कि तुमने वोट दिया है उसको। मैंने लडविक को वोट किया। हाँ मैंने भी। मैंने जेडन को वोट किया। जेडन तुमने किसको वोट किया? उसे। तुमने उसे वोट किया? अब इसमें भला पूछना क्या? रुको रुको, तुमने कहा कि मैंने भी। ठीक है, सोचने का वक्त खत्म। अब ये टाई ब्रेकर तुम तीनों के हाथों में है। पहला वोट मिला है लडविक को। तो तुम्हें कैसा लग रहा है? दूसरा वाला तो पढ़ो। मुझे पता है तुम्हें पहले वाले के बाद कैसा। मैं चाहता हूँ कि तुम दूसरा पढ़ो। मुझे लगता है कि सब ठीक होगा। दूसरा वोट मिला है जेडन को। अरे नहीं, मैं कांप रही हूँ। वो जो अपना ब्रीफ केस सबसे पहले खोलने वाला है वो है लडविक। अगर इसमें 1 मिलियन डॉलर्स हुए तो वीडियो यहीं खत्म हो जाएगा। अगर कुछ नहीं हुआ तो एक और राउंड होगा। गेम में मजा लो इसे। ये खाली है। तुम बहुत आगे तक आ गए। मैं जानता हूँ तुम्हारा ब्लफ था। कोई बात नहीं, लडविक एलिमिनेट हो चुका है। जिमी मतलब वो बाकी हारे हुए सिपाहियों से मिल पाएगा और उनके साथ चैलेंज देख पाएगा। दूसरा राउंड शुरू हो चुका है और एक बार फिर से सबकी आंखों पर पट्टी लगेगी। हमने बैग्स शफल किए और बचे हुए प्लेयर्स ने अपने अपने बैग्स चुने। तुम सब जानते हो क्या करना है। 10 मिनट का टाइमर शुरू करो। जेडन क्या तुम्हें फिर से 1 मिलियन मिले? लेकिन उसने कहा वो तुम्हारे पास है। और उसने कहा था उसका खाली है। तो सब लोग झूठ बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ 3 के बैग खाली हैं और उन्हें साथ मिलकर 1 मिलियन वाले का पता लगाना होगा। हाँ। क्या किसी ने कुछ भी देखा जैसे बॉडी लैंग्वेज? सिर्फ तुम ही हो जिसकी बॉडी लैंग्वेज बदली है। तुम पहले से ज्यादा हिल रहे हो। हाँ। क्या तुम्हारे पास कुछ है? मेरे पास एक सूटकेस है। ऐसा भी हो सकता है कि तुमने खुद पे से प्रेशर हटाने के लिए मुझे वोट किया हो। सही कहा। मेरे पास तो नहीं है। शायद तुम्हारे पास भी नहीं है। तो तुम्हारे पैसे यहाँ पर है या फिर यहाँ पर? हाँ मुझे लगता है तुम्हारे पास ही होंगे।
तुम्हें लगता है इसके पास है? अब तक का पहला इल्जाम। तुम कह रहे हो कि उसके पास मिलियन डॉलर का ब्रीफकेस है। फिलहाल तो मुझे ऐसा ही लगता कि वो पैसे उसके पास है। तुम किसे वोट करोगे? मेरे हिसाब से तुमने किसी को वोट किया और उसने खुद को वोट किया तो 4 में से 2 वोट्स हो गए। मैंने तय नहीं किया। पता नहीं, मेरे लिए तो इन दोनों के बीच 50-50 है। मैं तुम्हें वोट दे सकता हूँ। मुझे? हाँ, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो स्टैटिस्टिकली मेरे पास पैसे वापस नहीं आएंगे। ये काफी दिलचस्प पॉइंट है। ठीक है, जिसका भी ब्रीफकेस खोलना चाहते हो उसका नाम लिखो। तो पहला वोट मिला है जेडन को और दूसरा वोट मिला एलेक्स को, दोनों के बीच टाई। तीसरा वोट भी जाता है जेडन को। हमारा चौथा और आखिरी वोट फिर से जेडन। अगर इसमें $1 million हुए तो तुम तुरंत जीत जाओगी। शायद इसमें। Oh my God! Oh wow! तुम कितनी शांत थी, मुझे तो लगा तुम आउट होने वाली हो। जीत तुम्हारी हुई। वाह! तुम ये पैसे अपने सब्सक्राइबर्स में कैसे बांटने वाली हो? आर्टिस्ट को बहुत सी चुनौतियाँ झेलनी पड़ती है। मैं ज्यादा से ज्यादा मैं आर्टिस्ट को ही आर्ट स्कूल भेजना चाहूंगी। और इसी के साथ जेडन एनिमेशंस ने जीते हैं $1 million अपने सब्सक्राइबर्स के लिए। सब्सक्राइब करो, जल्दी सब लोग सब्सक्राइब करो।